हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर मुख्यालय रिकांगपिओ में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर उत्सव आरंभ हुआ। इसका विधिवत शुभारंभ हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने किया। इस दौरान सूरत नेगी ने बताया कि 4 दिवसीय उत्सव में विशेष से किन्नौर और पहाड़ी हिमाचली संस्कृति को देखने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर मुख्यालय रिकांगपिओ में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर उत्सव का शुभारंभ हो गया है। इसका विधिवत शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने किया। इस दौरान सूरत नेगी ने बताया कि 4 दिवसीय उत्सव में विशेष से तौर पर किन्नौर और पहाड़ी हिमाचली संस्कृति को देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे उत्सवों में हिमाचली पहाड़ी संस्कृति को संरक्षण मिलता है। दूसरा, व्यापारिक आदान प्रदान की दृष्टि से ये मेले महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष व जिलाधीश किन्नौर ने बताया कि किन्नौर उत्सव यहाँ की परंपरा, संस्कृति व वेशभूषा के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान लोगों को मिलती है। उत्सव उद्घाटन अवसर पर मुख्य आकर्षण पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की धुनों में लोक नृत्य रहा। खासकर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा किन्नौर की परंपरा, रहन सहन एवं संस्कृति दर्शाते लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस दौरान नशे से होने वाले दुष्परिणामों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। तारीख को इसका क्लोजिंग होगा। कुल मिला के 4 दिवसीय ये राज्य स्तरीय उत्सव है और इसमें विशेष रूप से जहाँ हमारे किन्नौर की संस्कृति है, पूरे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी संस्कृति देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ इस महोत्सव के माध्यम से हमारे यहाँ जो है बिजनेस बहुत बड़े माध्यम में होता है और विशेष रूप से किन्नौर के जो चिलगोजा है, सूखे मेवे है, सेब है, इसका भी बहुत बढ़िया बिजनेस यहाँ पर होता है। और इस बार हमने प्रयास किया है परम श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से, यहाँ पर हमने कुछ नई इनोवेशन लाने का हमने प्रयास किया है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।